सर्वेभ्य नमो नमः। द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र के अंतर्गत संकलित पुस्तक मनुश्रमति के द्वितीय अध्याय का आज हम 114वें नंबर वाला श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महर्षि मनु पुनः कुपात्र को विद्या दान नहीं करने का निषेध करते हुए हमें बता रहे हैं कि कभी भी कुपात्र को विद्या रूपी दान नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर कुपात्र को विद्या का दान किया जाता है तो वह विद्या इतनी प्रभावशालिनी नहीं रहती है। उसी का उल्लेख महर्षि मनु उक्त श्लोक में कर रहे हैं। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। कुपात्र को विद्या दान का निषेध करते हुए महर्षि मनु क्या कह रहे हैं। विद्या ब्राह्मणम एत्य आह सेवद्वियस्तते अश्मि रक्ष माम असयुकाय माम मादास तथा सयाम विरिवत्वमा। क्या कह रहे महर्षि मनु। विद्या ब्राह्मणम एत्य आह सेवद्वियस्तते अश्मि रक्ष माम असयुकाय माम मादा तथा सयाम विरिवत्वमा। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। विद्या ब्राह्मणम एत्य आह ते सेवद्विह अश्मि माम रक्ष माम अशुकाय माम दा तथा विरिवत्वमा सयाम। क्या कह रहे हैं महर्षि मनु कि विद्या ब्राह्मणम एत्य आह यानी साक्षात विद्या रूपिणी माँ सरस्वती। विद्या ब्राह्मण यानी विद्या ने ब्राह्मण यानी विप्र के एत्य आह यानी एत्य कार्ते समीप यानी पास में जाकर आह यानी उनसे बोली, यानी साक्षात विद्या ने शरीर रूपी शरीर को धारण कर माँ सरस्वती ने शरीर रूपी शरीर को धारण कर ब्राह्मण के पास में जाकर उनको बोली कि ते सेवद्वी अश्मि। सेवद्वी का अर्थ होता है निधि, यानी मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, यानी मैं तुम्हारी एक संपत्ति हूँ, निधि हूँ, ज्ञान का भंडार हूँ। माम रक्ष, इसीलिए तुम मेरी क्या करो, रक्षा करो। माम असुकाय माम दा, असुकाय का अर्थ निंदा करने वाले, निंदक, यानी मुझे निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए मत दो, यानी निंदा करने वाले व्यक्ति विशेष को तुम कभी भी विद्या रूपी ज्ञान का दान मत करो। तथा विरिवत्वमा सयाम, जिससे मैं क्या बन सकूँ, विजयशालिनी बन सकूँ, शक्तिशालिनी बन सकूँ। यानी महर्षि मनु ज्ञान की महत्वता को उल्लेखित कर उक्त श्लोक में बता रहे हैं कि विद्या रूपी जो अर्थ रूपी जो ज्ञान है, विद्या रूपी जो उत्तम ज्ञान है, वो ज्ञान किस तरह से प्रभावशाली हो सकता है, यानी हमारे ज्ञान की हम किस तरह से वृद्धिता को प्राप्त कर सकते हैं। अगर हम हमारे ज्ञान का निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं, दूसरों को वह ज्ञान देते हैं और सत्पात्र को अगर हम ज्ञान देते हैं, तो वह ज्ञान अस्थायी रूप से निरंतर उन्नति के पथ पर अग्रसर बढ़ता रहता है। हर शिक्षक का पहला धर्म ही यही होता है कि शिष्य को उचित ज्ञान प्रदान करे, उसको अपनी विद्याओं के द्वारा उसको पारंगत करे, उसमें परिष्कृतता और परिमार्जितता लाए। तो महर्षि मनु यही बात एक शिक्षक को बताने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरह से शिक्षक अपने ज्ञान को सत्पात्रों को ध्यान करे और अपने कर्तव्य, जिसका गुरु का पहला कर्तव्य है शिक्षक को उत्तम ज्ञान प्रदान करना। जो शिक्षक शिक्षार्थी को विद्यार्थी को शिष्य को उत्तम ज्ञान प्रदान नहीं करता, यानी निरंतर उसको ज्ञान के पथ पर अग्रसर नहीं करता है, तो वह एक शिक्षक वास्तव में शिक्षक कहलाने का लायक नहीं रहता है। क्योंकि शिक्षक शब्द का अर्थ ही यही होता है कि जो अपने शिक्षक यानी सिखाना, यानी जो विद्यार्थियों को ज्ञान के पथ पर उन्नति के मार्ग के पथ पर आगे बढ़ने की शिक्षा प्रदान करता है, उनके मार्ग का प्रशस्त करने का सहायक होता है। क्योंकि शिक्षक अनुभवों की एक खान होता है, कहने का तात्पर्य शिक्षक एक अनुभवशील व्यक्ति विशेष होता है, जो बाद की पीढ़ी वाले जो शिक्षक हैं उनको उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होता है। वो बता सकता है कि कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए सही है और कौन सा मार्ग तुम्हारे लिए गलत है, तुम्हें कौन से मार्ग का चयन करना है। शिक्षार्थी अबोध होता है, शिक्षार्थी को कोई ज्ञान नहीं होता, लेकिन शिक्षक क्या कर सकता है, उस शिक्षार्थी को अपने ज्ञान के बल पर उनको उन्नति के मार्ग पर पथसर करने में सहायक हो सकता है। तो उन्हीं बातों का उल्लेख महर्षि मनु उक्त श्लोक में बता रहे हैं और कह रहे हैं कि विद्या ब्राह्मणम इत्य आह, यानी साक्षात शरीर रूप धारिणी विद्या ने ब्राह्मणम यानी विप्र के पास यानी शिक्षक के पास आकर इत्यम आह यानी उसके
पास में आकर इत्य आह यानी उनसे इस प्रकार बोली, उनके पास में आकर उन्हें इस प्रकार कहा कि ते शेवद्वी अस्मि यानी मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, यानी तुम्हारे पास अगर किसी व्यक्ति विशेष के पास कोई ज्ञान है तो वह उसकी स्वयं की संपत्ति के समान होती है, एक निधि होती है, ज्ञान होती है, क्योंकि अर्थ रूपी धन तो कमाया जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन जो विद्या रूपी जो ज्ञान है वह बहुत ही विपुल ज्ञान है, विपुल भंडार व्यक्ति विशेष के पास होता है, लेकिन वह बहुत ही कम व्यक्ति विशेषों के पास उसकी उपलब्धता होती है। इसीलिए कह रहे कि ते सेवद्वी अस्मि यानी मैं तुम्हारी संपत्ति हूँ, माम रक्ष, अतः तुम मेरी क्या करो, रक्षा करो। फिर माम असुकाय मा दाह, असुकाय कर निंदा करने वाले यानी मुझे निंदा करने वाले व्यक्ति के लिए तुम मत दो, तथा विजय त्वमा सयाम जिससे मैं क्या बन सकूँ, विजयशालिनी बन सकूँ, शक्तिशालिनी बन सकूँ। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य है कि किसी समय विशेष में साक्षात विद्या की देवी माँ सरस्वती ने साक्षात शरीर रूप धारण कर विप्र के पास जाकर स्वयं की रक्षा की प्रार्थना करते हुए कहा, हे वेद ज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी शिक्षकगण, मैं आपकी संपदा हूँ, अतः आप मेरी सुरक्षा करें। अपनी सुरक्षा की विधि बताते हुए साक्षात विद्या रूपी धारिणी देवी ने कहा, मुझे कभी भी ऐसे व्यक्ति को प्रदान मत करना जो वेदों का निंदक हो तथा गुणों में भी दोष देखता हो, ज्ञान प्रदान करने का जिज्ञासु नहीं हो, आलस्य का रूप को रखता हो, जो शिक्षार्थियों को उचित ज्ञान प्रदान नहीं करता है, तो ऐसे व्यक्ति विशेष के अंतर्गत ज्ञान को आपको प्रदान नहीं करना है। यदि आपने मात्र सुपात्र को ही मेरा दान किया तो मैं निश्चित रूप से प्रभावशालिनी बन सकूंगी और आपको उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक बन सकूंगी। इस तरह से उक्त श्लोक में महर्षि मनु कुपात्र को विद्यादान का निषेध कर हमें बता रहे हैं। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः देखते हैं। क्या कह रहे महर्षि मनु, विद्या ब्राह्मणम एत्य आह सेवद्व्यस्तते अस्मि रक्ष माम असूयकाय माम मादा अस्तता सयाम विजीवत्वमा। विद्या ब्राह्मणम इत्याह यानी एक बार विद्या रूपी धारिणी साक्षात देवी ने ब्राह्मणम इत्याह यानी ब्राह्मण के समीप जाकर बोली, उनके पास में जाकर कहा, ते सेवद्वी अस्मि यानी मैं तुम्हारी सेवद्वी यानी संपत्ति हूँ, अस्मि माँ रक्ष, अतः आप मेरी रक्षा करें। माम असूय काय माम दा यानी मुझे निंदा करने वाले व्यक्ति विशेष को आप मत दें, तथा विजयत्वमा सयाम जिससे मैं क्या बन सकूँ, विजयशालिनी बन सकूँ, शक्तिशालिनी बन सकूँ। सर्वेभ्य नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय का 115वां नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महर्षि मनु जो श्रेष्ठ उत्तम जो शिष्य है उसको विद्यादान करने के कथन को उल्लेखित कर बता रहे हैं कि किस शिष्य को हमें विद्या का दान करना चाहिए, गुरु को किस शिष्य को अपने उत्तम ज्ञान के द्वारा उसकी परिष्कृतता तथा परिमार्जिता करनी चाहिए, उसी का उल्लेख महर्षि मनु ने उक्त श्लोक में किया है। मैं श्लोक का वाचन करता हूँ, तत्पश्चात हम इसके अर्थ को देखेंगे। उत्तम शिक्षार्थी को विद्या या ज्ञान रूपी दान को उल्लेखित कर महर्षि मनु क्या कर रहे हैं, यमेव तु सुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मे माम ब्रूहि विप्राय निधि पायम अप्रमादनी। क्या करे महर्षि मनु, यमेव तु सुचिम विद्या नियत ब्रह्मचारिणम तस्मे माम ब्रूहि विप्राय निधि पाय अप्रमादिने। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा, तू यम एव सुचिम नियत ब्रह्मचारिणम विद्या तस्मे अप्रमादिने निधि पाय विप्राय माम ब्रूहि। यानी उत्तम द्विज विद्यार्थी को शिक्षा विद्यादान देने के कथन को उल्लेखित कर बता रहे कि किस शिक्षार्थी को हमें विद्या का दान करना चाहिए। यह बात शिक्षक को उल्लेखित कर महर्षि मनु शास्त्रज्ञता के द्वारा बता रहे हैं कि तू यम एव सूची यानी परंतु, जो पिछले वाले श्लोक में हमने पढ़ा था कि कुपात्र को दान नहीं देना, अब सुपात्र को दान देने के संदर्भ में महर्षि मनु उसी श्लोक के संदर्भ में आगे बता रहे हैं कि तू एवं एव सूची यानी हे गुरुदेव, हे शिक्षार्थी, हे गुरु जी, कि त्वम एव सूची यानी
नमो नमः। आज हम महर्षि मनु के द्वारा विरचित मनुस्मृति के द्वितीय अध्याय के 116वें नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। इस वाले श्लोक में अब महर्षि मनु वेद ज्ञान या विद्या ज्ञान के चौर्यकरण का, यानी उसको चुराकर किसी विद्या का अर्जन करने का निषेध को उल्लेखित कर महर्षि मनु बता रहे हैं कि कभी भी किसी भी शिक्षार्थी या शिष्य को बिना गुरु की अनुमति के कैसे भी चोरी करते हुए ज्ञान को प्राप्त नहीं करना। यानी चोरी करने से ज्ञान के प्राप्त करने का तात्पर्य कि शास्त्र उक्त विधि से गुरु मुख से ही हमेशा ज्ञान को प्राप्त करना है। अगर कोई शिष्य या कोई विद्यार्थी अगर विद्या के दान को या वेद ज्ञान को चोरी में लिप्त होकर चुपके से अगर उस ज्ञान को प्राप्त करता है तो ऐसा व्यक्ति विशेष नरक को प्राप्त होता है। उसी का उल्लेख महर्षि मनु उक्त श्लोक में कर रहे हैं कि हमेशा जब भी हम कोई भी ज्ञान प्राप्त करें तो गुरु की आज्ञा से शास्त्र उक्त विधि से ही ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। वह ज्ञान ही हमारे लिए लाभदायक होता है और उन्नति के पथ पर अग्रसर करने में सहायक होता है। तो वेद ज्ञान के चोरीकरण का निषेध कर महर्षि मनु क्या कर रहे हैं। ब्रह्मा यशस्व अनुज्ञातम अध्ययनात् अवपानुयात् स ब्रह्मात् तेय संयुक्तो नरकम् प्रतिपद्यते। क्या करे महर्षि मनु। ब्रह्मा यशस्व अनुज्ञातम अध्ययनात् अवपनुयात् स ब्रह्मास्त ते संयुक्तो नरकम् प्रतिपद्यते। श्लोक का अन्वय इस तरह से होगा। यह तु अन अनुज्ञातम अध्ययनात् ब्रह्मा अवपनुयात् ब्रह्मास्त तेय संयुक्तम सह नरकम् प्रतिपद्यते। यह तु अन अनुज्ञातम, परंतु जो व्यक्ति अनअनुज्ञात अनुपसर्ग के द्वारा बता रहे कि जो व्यक्ति विशेष या जो शिक्षार्थी जो शिष्य अनुज्ञातम यानी बिना गुरुजी के अनुमति के अध्ययनात् यानी दूसरों को पढ़ाने से ब्रह्मम अवपनु यानी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। यानी कोई शिक्षार्थी बिना गुरु की अनुमति के बिना शास्त्र उक्त विधि से किसी दूसरे को पढ़ाए हुए ज्ञान को अगर वह बिना गुरु अनुमति के चोरी के द्वारा अगर उसको पढ़कर उसको प्राप्त कर ब्रह्म ज्ञान को अगर कोई प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेने के पश्चात भी उसकी उल्लेखिता को बताकर महर्षि मनु कह रहे हैं कि ब्रह्म ते संयुक्तम इस प्रकार से स नरकम प्रतिपद्यते। कहने का तात्पर्य कि वेद ज्ञान की चोरी से ब्रह्मम तेय संयुक्त यानी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करने के पश्चात भी वह नरकम प्रतिपद्यते यानी ऐसा व्यक्ति वेद ज्ञान की चोरी में लिप्त वह व्यक्ति विशेष स नरकम प्रतिपद्यते वह क्या होता है, नरक के ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। कि ब्रह्म अस्तय है ना, यहाँ अस्तय शब्द का अर्थ होता है चोरी करना। ब्रह्म अस्तयम संयुक्तम यानी ब्रह्म ज्ञान की चोरी के कारण वह व्यक्ति विशेष क्या होता है, नरक को प्राप्त हो जाता है। हमारे जो सत्य अहिंसा असत्य ब्रह्मचारी और अपरिग्रह है ना, हमारे जो पांच नियम बताए गए अष्टांग योग में यम नियम आसन प्राणायाम प्रतिहार धाना ध्यान और समाधि है ना, तो उसी के अंतर्गत ये जो आ रहे हैं उसी में असत्य का अर्थ होता है चोरी नहीं करना। उसी के अंतर्गत बता रहे हैं कि यत तु अन अनुज्ञातम यानी जो व्यक्ति विशेष अन अनुज्ञातम यानी बिना गुरु की अनुमति के बिना गुरु जी के उनसे शास्त्र उक्त विधि का पालन किए हुए बिना गुरु की अनुमति के अध्ययनात् ब्रह्म अवापनुयात यानी दूसरों को पढ़ाने से उस ज्ञान की चोरी कर दूसरों को पढ़ाते हुए उस ज्ञान को चोरी के द्वारा प्राप्त कर अगर कोई व्यक्ति विशेष ब्रह्म अवापनुयात यानी ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो इस प्रकार से ब्रह्म अस्तय संयुक्तम यानी इस प्रकार वेद ज्ञान की चोरी में लिप्त स नरकम प्रतिपद्यते ऐसा व्यक्ति विशेष नरक को प्राप्त हो जाता है। यानी महर्षि मनु के कहने का तात्पर्य यह है कि कोई गुरु अपने शिष्य को अगर वेद का अध्ययन करा रहा हो वेद पढ़ा रहा हो उसी समय अन्य कोई व्यक्ति उस गुरु की अनुमति लिए बिना ही चुपके से सुनकर वेद ज्ञान को प्राप्त कर ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो उसे विद्यादान यानी ज्ञान की चोरी ही कहा जाएगा, साथ ही वह निंदनीय कृत्य माना जाएगा। इस प्रकार वेद ज्ञान की चोरी करने वाला भी व्यक्ति अपने इस अप्राप्त के कारण निश्चय ही नरक को प्राप्त होता है। अतः शास्त्र उक्त विधि से ही गुरु मुख से ही वेद ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार इस श्लोक में महर्षि मनु ने गुरु की अनुमति से ही वेद ज्ञान प्राप्त करने की अनिवार्यता के कथन को उल्लेखित किया है। एक बार पुनः श्लोक का वाचन कर इसके अर्थ को पुनः पढ़ेंगे। क्या कह रहे महर्षि मनु।
ब्रह्मा यशस्त्वनुज्ञातम् अध्ययनाद् अवप्नुयात् स ब्रह्मास्तस्ते संयुक्तो नरकम् प्रतिपद्यते। यत तु अनअनुज्ञातम्, यानी जो व्यक्ति बिना अनुमति के अध्ययनात् ब्रह्मम् अवप्नुत, यानी दूसरों को पढ़ाने से अगर वह ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो ब्रह्मस्त अस्तेय संयुक्तम, यानी ऐसा वेद ज्ञान की चोरी में लिप्त वह व्यक्ति विशेष नरकम प्रतिपद्यते, यानी ऐसा व्यक्ति विशेष वह नरक को प्राप्त हो जाता है।